बीजेपी की दो दिवसीय कार्यकारिणी का आगाज आज हैदराबाद में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक के साथ हो गया है। हैदराबाद की धरती पर 18 साल बाद हो रही मीटिंग के जरिए बीजेपी दक्षिण भारत में जोरदार दस्तक देने की तैयारी में है। अगले दो दिनों तक बीजेपी कार्यकारिणी की करीब 350 सदस्य इस बात पर मंथन करने वाले हैं कि कैसे तेलंगाना समेत दक्षिण के केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में सरकार बनाई जाए और कर्नाटक में वापसी की जाए। अगले दो दिन आज और कल बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन हैदराबाद के नोवोटेल कन्वेंशन सेंटर पर हो रहा है। कार्यकारिणी के जरिए ओवैसी और के चंद्रशेखर राव को उनको उनके गढ़ में घेरने के लिए बीजेपी आक्रामक रणनीति पर काम करेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकारिणी के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर बीजेपी की नीति को कार्यकारिणी के सदस्यों के सामने रखेंगे और पीएम मोदी कार्यकारिणी के दोनों सत्रों में रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हमारे साथ मौजूद है। मुंडा जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी है बीजेपी की, हैदराबाद में हो रही, क्या मैसेज है सर इससे? देखिए, राष्ट्रीय कार्य समिति यहाँ हो रहा है, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि तेलंगाना प्रदेश कमेटी ने राष्ट्रीय स्तर पर सभी को यह अवसर दिया है कि यहाँ पर कार्य समिति में हम भाग ले, तो हम आए हैं यहाँ पर, मुझे बेहद खुशी है। सर, मुख्यमंत्री कैसी आ रहे जो कि सीधे अपनी तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, यह सारी बातों को करने के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं, हम यह बात करने के लिए यहाँ नहीं है। कार्य समिति में बहुत सारे देश के विषय हैं और पार्टी के विषय हैं, उस पर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, जिनका कहना है कि यहाँ पर केसीआर पर बात करने नहीं आए, देश के बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करने के लिए भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यहाँ पर आए। कैमरामैन प्रमोद दास के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज हैदराबाद। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी हमारे साथ में मौजूद है। आरपी सिंह जी, ये जो यहाँ पर हैदराबाद में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, क्या एजेंडा है सर इसका? एजेंडा है कि जो पिछले 8 साल में मोदी जी ने काम किए हैं उस पर चर्चा, और आगे कैसे करना उस पर चर्चा, और पार्टी का विस्तार कैसे उस पर चर्चा। देखिए सर, यहाँ पर यहाँ के जो मुख्यमंत्री तेलंगाना के, वो तो अपने फोटो बड़ी बड़ी लगा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी तुलना कर रहे हैं, वो दिख रहा है कि उनके हालत कैसी है। मैं अभी कल साधनगर होकर आऊँ एक विधानसभा में, लोग उनके बारे में अच्छा नहीं बोलते, बोलते हैं कि उन्होंने खूब भ्रष्टाचार किया, ऐसा लोगों की जुबान पर है। तो इसलिए अब वो, क्योंकि तड़प है, दिख रही है कि भाजपा पूरे दम से अब नीचे दिख रही है, उसको रिटेलिएट कर रहे हो। सर, कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने डराने के लिए ईडी की जांच उनके खिलाफ कराई। मूल बात का जवाब दें, दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से यंग इंडिया में, फिर वापस से पैसा क्यों घुमाया, और वो 90 करोड़ रुपए की माफी क्यों कराई, उसकी बात है, बाकी सब झूठ बेकार की बात है। असल बात और असल मुद्दे पे बात नहीं कर रहे वो। आखिरी सवाल सर, नुपुर शर्मा पे जिस तरीके की सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, उस पे कल बात करेंगे। ये थे आरपी सिंह, जिनका कहना है कि केसीआर की जमीन खिसक रही है, लिया जा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी तुलना कर रहे हैं। कैमरामैन प्रमोद दास के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज हैदराबाद। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।